सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फोटोग्राफर जी और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फोटोग्राफी वीडियो सबसे पहले। वेलकम बैक टू द चैनल फोटोग्राफर जी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी नवरात्र चल रहे हैं और आज जो है नवरात्र का आखिरी रात्र यानी आज नौवीं माता पता नहीं जो है। तो मुझे आज एक अनबॉक्सिंग करने के लिए मिला है सैमसंग का 970 NVMe SSD जो एकदम मार्केट का जो है टॉप एकदम चल रहा है पिछले कई सालों से। और 970 EVO Plus जो NVMe है ये हमेशा से सबसे टॉप रैंक पे रैंकिंग किया है। आप चाहे किसी भी साइट में जाकर देख सकते हैं, यूजर बेंचमार्क हो या फिर वो SSD के जो भी क्रिस्टल डिस्क बेंचमार्क बहुत सारे मतलब। तो फिर उसको टक्कर देने के लिए जो आया था वो कॉर्सेयर का फोर्स MP500 था, लेकिन वो इसलिए अच्छा था क्योंकि उसका प्राइस कम था। तो अभी जो है बिग बिलियन डेज और अमेजन का जो डिस्काउंट का जो चल रहा था उसमें, तो उसमें मैंने देखा कि सैमसंग 970 EVO Plus जो है उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। इनफैक्ट वो इतना कम हो गया था कि वो कॉर्सर से भी नीचे आ गया था। मैं बात कर रहा हूँ उसका 500 GB वेरियंट का। तो जब वो मुझे दिखा लगभग 6399 में दिखा, तो फिर उसमें और 10% डिस्काउंट था SBI कार्ड से, और ये HDFC कार्ड से था तो क्रेडिट डेबिट दोनों में था। तो मेरे दोस्त के पास था एक डेबिट कार्ड HDFC का, मेरे पास तो SBI का है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ऑर्डर कर लिया जाए और आप लोग को बताया जाए कि क्या ये वाकई में मतलब कॉर्सेयर का जो फोर्स MP500 है जो कि मैंने कुछ दिनों पहले आप ऊपर में देख सकते हैं उसका अनबॉक्सिंग और उसका बेंचमार्किंग जो हमने किया था, तो क्या वाकई में ये उससे बेटर है। तो ये प्रैक्टिकली आज हम करके देखने वाले हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं और फिर उसको लगाते हैं अपने उस वाले सिस्टम पे जिसमें मेरा लगा हुआ है इंटेल का i7 9700K जिसमें कूलर लगा हुआ है कॉर्सेयर का H100i Pro RGB वेरिएंट और रैम है Gskill का 16GB 12 चैनल, और उसमें अभी हम लगाएंगे सैमसंग का NVMe SSD जिसमें मदरबोर्ड प्रो G390। तो अभी ये पैकेट है अमेजन से, इसको मैंने काटा है थोड़ा सा क्योंकि तो हर बार अनबॉक्सिंग में वो दिखाना जरूरी नहीं रहता। तो ये इसका पैकेट है, आप लोग देख सकते हैं V9 SSD 970 EVO Plus NVMe M.2। तो ये 500 GB वेरियंट है और इसमें देखिए यहाँ पर सैमसंग लिखा हुआ रहेगा। क्या भाई क्या बात है। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है मॉडल है इसमें। इसका MRP दिया हुआ है 13,599 और ये सितंबर 2020 में ही इसका इंपोर्ट हुआ है और अभी जो है आज अक्टूबर का 25th है। तो ये एकदम से नया आया है, नया नया बना है और शायद ये हमें लगता है ऑफर में देने के लिए ही बनाया होगा, पता नहीं जो भी है। तो ये 5 ईयर लिमिटेड वारंटी इसमें लिखा हुआ है कि 5 साल का वारंटी है और ये लिमिटेड है, यानी कि ये इससे आगे भी चल सकता है शायद। तो अभी इसको जो है हम लोग फटाफट से खोलते हैं। 500 GB PCIe है तो ठीक है, वैसे मैंने अभी इसको जो है काटते हैं ऐसे काटते हैं ऐसे 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 कट गया और ये आता है बॉक्स से बाहर। ये भी तो बहुत छोटा है ये भी बहुत छोटा है और हर छोटी चीज बहुत स्पीड की होती है ना। इसमें ये लोग बस स्टिकर लगा रखे हैं, उसकी तरह मेटल का नहीं दे रखे हैं। जो कॉर्सेयर का हमने अनबॉक्स किया था उसमें मेटल का था पूरा। तो ये वैसे पैकेट इसका काफी सही है, इसको चोट वोट लगने की कोई चांसेस नहीं है। तो अभी जो है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। ये इसका ऐसे आया और ये इसका काफ़ी भारी है वैसे, और इधर से तो ठीक है। वैसे यहाँ पर जो कुछ भी है सैमसंग का प्रिंटेड वगैरह था वो तो ढक चुका है क्योंकि ये ऊपर में स्टिकर लगा दिया बेवजह का। वैसे भी खूबसूरत लगता है स्टिकर लगाने से, बाकी वो सब तो IC वगैरह तो सब ठीक ही है, इसको रखो साइड में। और इसका कुछ पेपर वर्क मिलेंगे हमको, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो बस ये सैमसंग सॉलिड स्टेट ड्राइव करके एक है वो, और इसको देख के मुझे वो याद आ गया यार, वो जो क्रिश्चियन लोग अपना प्रचार नहीं करते हैं उसमें यीशु क्रिस्ट के बारे में बताया जाता है उसमें कॉमिक्स जैसा,
तो वो वाला किताब है, जैसे ये है। इसमें इसको निकालो, इसमें इंस्टॉलेशन गाइड वारंटी स्टेटमेंट। अरे वाह, ये क्या है? डाउनलोड सैमसंग मैजिशियन की फोर ड्राइव लाइक ए मैजिक। ओके ठीक है भाई, डाउनलोड कर लेंगे। उसमें क्या है? और ये कुछ तो है नहीं, बस ऐसे ही है ये। बस ये बस डाउनलोड मैजिशियन, उसके लिए ये अलग से बनाया ये लोग। और ये है कुछ अपना पेपर वर्क, जिसमें ये इसको हटाना बहुत जरूरी है। ओके ओके, तो वैसे हमारा जो मेन मुद्दा है वो है उसको ओपन करके, सॉरी इसको इंस्टॉल करके उसका बेंचमार्क आप लोगों को दिखाना। और इसका प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया, तो फिर भी एक बार बता देते हैं। इसका एमआरपी जो है 13,599 रुपये है, और इसको जो है बिग बिलियन डेज में 6,399 पे ट्रेड करते हुए देखा गया था, जिसमें 10% डिस्काउंट है HDFC कार्ड से। तो फिर ये मुझे लगभग 5,800 यानी 5,800 तक पड़ा है, ठीक है। और ये कुछ SSD को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मेरे पास है ऑलरेडी। वो मैंने इसमें लैपटॉप का हार्ड ड्राइव लगा करके उसका एक्सटर्नली बनाया है। तो चलिए, SATA और NVMe में कुछ यहाँ पर फाइल वगैरह दिखाया गया है। चलिए इसको फटाफट से लगाते हैं अपने वो सिस्टम पर, और फिर उसके बाद बेंचमार्क करके देखते हैं, क्योंकि उसके पहले मुझे सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई नहीं, कर लेंगे। चलिए, तो ये ऊपर वाला जो है इसी पे हम लोग लगाएंगे इसको। तो अगर आप में से कोई SSD NVMe परचेज करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप लोग पहले अपने मदरबोर्ड में उसका स्लॉट है कि नहीं जरूर से देख लीजिए, क्योंकि ये सस्ता वाला मदरबोर्ड में ये स्लॉट नहीं होता है। वैसे आजकल जो ये बहुत ही मतलब उमदा किस्म का हीट सिंक लगा हुआ है इसमें, क्योंकि मदरबोर्ड भी तो है भाई 30,000 का, सॉरी पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में सब कुछ बता रखा है, इसीलिए इसको हटा देना है प्लास्टिक को, ताकि ये बढ़िया से हीट सिंक करे। तो ये अच्छा मदरबोर्ड लेने का ये फायदा रहता है कि आपको बढ़िया सा हीट सिंक मिल जाता है। वैसे इसको लिए मुझे इसका मदरबोर्ड से उसका वो निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लगा देंगे तो इसका साइज का है वैसे। तो अभी जो है मैं इसका मदरबोर्ड को निकाल के इसका नट निकालता हूँ। तो ये एकदम सील पैक नट आया है, इसको काटते हैं यहाँ से। ये काफी भारी है वैसे, इसको अब लगाएंगे हम। और इसका जो कुट से आवाज आएगा ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो इसको यहाँ पर ये जो है ना, इसमें ये जो नट है जो मदरबोर्ड के साथ आता है वो नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा काफी ऊपर लग रहा है, और इसके नीचे जो है एयर, मतलब एयर के लिए जगह रहेगा। तो ये वैसे अच्छी बात है। तो फिर से हम इसको लगाते हैं यहाँ पर, और ये लग गया, और ये ऐसे बैठ जाएगा यहाँ पर। अभी फिलहाल ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है। और ये जो ऑरस प्रो G390 का ये है, उसको यहाँ से इसको हटाएंगे। और ये जो है हीट सिंक है, इसको लगा डाला यहाँ पर। तो दो चार बार ये करने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छे से समझ आया, और इसको मैंने फाइनली लगा दिया हीट सिंक के साथ। और हीट सिंक के उसमें वो चिपकने वाला वो लगा हुआ है, जिसे हम तो गोंद कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। तो अभी लग चुका है, अब इस पर लगाते हम सिस्टम, और उसके बाद फिर बेंचमार्क करके दिखाएंगे आप लोग को। तो देखते रहिए।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो है बेंचमार्क का रिजल्ट जो है आ चुका है। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो बेंचमार्क हम आपको दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। रीड जो है सिक्वेंशियल में ये 3546 MB/s तक जाता है और राइट 3267, और फिर बाकी सब जो कुछ है आपके सामने, आप इसको बढ़िया से पॉज करके देख सकते हैं। हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं। तो ये जो जिसमें हम सिस्टम चढ़ा दिए हैं उसमें 64 GB का हमने सिस्टम का ड्राइव बनाया, बाकी मैंने अलग से 401 GB का मैंने एक अलग से पैटर्न बनाया, वो ये है 401 GB, जिसमें भी हमने कुछ नहीं डाला है। तो ये अभी थोड़ा सा उससे ज़्यादा बेटर दिखा रहा है रीड परफॉर्मेंस में थोड़ा सा। तो ये मतलब मैंने दो अलग अलग काट के दिखाया है ताकि आप लोग बढ़िया से एकदम बड़ा सा स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं मेरा जो पिछला वीडियो जो अभी आई बटन पे आपको मिल रहा होगा उसके साथ, वो कॉर्सेयर का 480 GB वाला था। और ये दो जो फोटोग्राफ्स आपको देखा दिखाए हम पहले, वो ये था। यहाँ से मैंने उसको स्निफ करके फुल स्क्रीन करने के लिए लिया था। तो ये मैंने अलग अलग दो जो है क्या कहते हैं उसको, अरे बेंचमार्क का अलग अलग थोड़ा सा विंडो है, इसमें बस जो फूल है उसमें जो मतलब 50% फूल है वो थोड़ा सा उसका रीड और राइट परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, और जो खाली है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, पर वो उतना भी ज़्यादा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।